पेनल्टी, इंटरेस्ट और कॉस्ट। आपको तीन टर्म सीपीसी में पढ़ने को मिलेंगे, पर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? पेनल्टी, जब कोर्ट किसी पर्सन को समन भेजती है, समन यानी कि नोटिस भेजती है कोर्ट में अपीयर होने के लिए, एविडेंस देने के लिए या डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट जो उसकी कस्टडी में, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस पर्सन की ये ड्यूटी बनती है कि वो कोर्ट के ऑर्डर को माने यानी कि कंप्लाई करे। पर इन केस अगर वो डिफॉल्ट करता है, दैट मीन्स अगर वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, तो कोर्ट के पास यहाँ पर पावर है कि कोर्ट उस पर पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। अब पेनल्टी किन किन फॉर्म्स में हो सकती है? सबसे पहला, कोर्ट उसके अरेस्ट के लिए वारंट इशू कर सकती है। सेकेंड, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच और सेल कर सकती है। थर्ड, उसके ऊपर फाइन को इम्पोज कर सकती है 5,000 रुपीज तक का। एंड क्रिमिनल केसेस में जैसे हम बेल बॉन्ड भरते हैं, वैसे ही यहाँ पर कोर्ट सिक्योरिटी फर्निश करवा सकती है, और सिक्योरिटी का भी अगर ब्रीच होता है तो कोर्ट उसे सिविल प्रिजन में भी भेज सकती है। इंटरेस्ट, अगर डिक्री पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है तो कोर्ट इंटरेस्ट को इम्पोज कर सकती है। अब इंटरेस्ट को पहले हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला, कोर्ट में केस फाइल होने से पहले का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के लिए भी कोर्ट इंटरेस्ट को इम्पोज कर सकती है अगर पहले से पार्टीज़ के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट था या रिलेटेड स्टैट्यूट में कोई प्रोविजंस है, या फिर पार्टी ने डैमेजेस को प्रूफ कर दिया। इन तीन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट में केस के फाइल होने से पहले के टाइम पीरियड पर भी कोर्ट इंटरेस्ट को इम्पोज कर सकती है। सेकेंड, इंटरेस्ट कोर्ट में जब केस फाइल हो जाता है उस डेट से लेकर, और कोर्ट जब डिक्री पास करती है उस टाइम पीरियड तक का, यानी कि जितने टाइम कोर्ट प्रोसीडिंग चली है उस टाइम पीरियड के दौरान भी कोर्ट इंटरेस्ट को इम्पोज कर सकती है, जो कि जनरली इम्पोज होता है। एंड थर्ड, इंटरेस्ट जिस डेट को कोर्ट डिक्री पास करती है उस डेट से लेकर और पेमेंट के डेट तक के लिए भी कोर्ट इंटरेस्ट को फिक्स कर सकती है। एंड लास्ट वन, कॉस्ट, जैसे कि किसी पर्सन को नोटिस भेजने में जो एक्सपेंसेस हुए हैं, प्लीडिंग्स के टाइपिंग प्रिंटिंग में जो एक्सपेंसेस हुए, किसी विटनेस की प्रोडक्शन में जो एक्सपेंसेस हुए, इन सारे एक्सपेंसेस को निकालने के लिए कोर्ट के पास ये पूरा पावर है कि कोर्ट ये डिसाइड कर सके कि इस कॉस्ट को कौन बियर करेगा, कितनी लिमिट तक बियर करेगा, और उस पर्सन की कौन सी प्रॉपर्टी से उस कॉस्ट को निकाला जा सकता है, एक्सेट्रा एट ऑल। इवन जिस कोर्ट के पास इस सूट का ट्रायल चलाने का भी पावर नहीं है, उस कोर्ट के पास भी कॉस्ट इम्पोज करने की पावर है। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट सीपीसी के लाइव क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है, जो कि 28 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही है ऑन गूगल मीट, जिसमें आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, एक एक पॉइंट्स को क्लैरिफाई किया जाएगा विद डायग्राम्स के साथ, जजमेंट्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, टाइमिंग्स वगैरह, और बाकी की क्वेरीज के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर।